प्रसंग में बैठे थे, तो अभी वही सेम दृश्य यहाँ पे है। बहादुर लोग जो है वो किसानों की जंग में है और कायर लोग जो है वो कुर्सी पे बैठे हैं। मैं छत्रपति शिवराय के महाराष्ट्र से आती हूँ। छत्रपति शिवराय ने हमें सिखाया है, मराठी में उसे बोलते हैं, लाख मेला तरी चाले परंतु लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। यानी कि लाखों मारे गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों को पोसने वाला एक किसान जिंदा रहना चाहिए। ये हमारे छत्रपति शिवराय ने हमें सिखाया है। फिर मोदी क्या कर रहे हैं, लाखों को पोसने वाला किसान मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन अडानी अंबानी जो है वो जिंदा रहना चाहिए। छत्रपति शिवराय उनके सरदारों से कहते थे, मराठी में एक बहुत ही बड़ा वाक्य है, बहुत ही बड़ी लाइने है, शेतकऱ्याच्या मिरचीच्या डेटाला जरी हात लावला तरी त्याचे हात कलम करण्यात येतील। याने की किसानों के मिर्च के डेट को भी किसी ने छुआ तो भी उसके हाथ कलम कर देंगे। ये छत्रपति शिवराय अपने सरदारों से कहते थे। आज तो छत्रपति शिवराय होते तो ये मोदी शाह के हाथ कब के काट दिए होते। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल और उनके भक्तगण विविध तरह से हमारे किसान आंदोलन करता और उन्हें समर्थन देने वाले लोग जो लोग हैं उनकी बदनामी करके आंदोलन तोड़ देना चाहती है। पर उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, कान खोल के सुनिए, हम किसान के बेटी है। इधर निकालो, आपके घर में जो दो वक्त का खाना आता है वो हमारे किसान के खून पसीने से उपजत है। किसान है तो देश है, जय जवान जय किसान हमारे देश की पहचान है। जवान सीमा का रक्षा करता है और किसान हमारे देश का पेट भरता है। आज आप सभी किसान भाई बहनों के आवाज से आवाज मिलाकर मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि देश के सब किसान एक साथ है, हम सब किसान एक है। जब जब किसान विरोधी कानून इस देश में लाए जाएंगे तब हम सब जमकर उसका विरोध करेंगे। हिमालय की मदद करने सह्याद्री हमेशा चल के आया है और आज यही इतिहास हम दोहराएंगे। हम आपके साथ है। ए मोदी सरकार सुन ले, कृषि विरोधी कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलने वालों में से नहीं है, हिलने वालों में से नहीं है। मुझे यहाँ पे आप दिल्ली की सड़कों उतरे मेरे हजारों किसान भाई बहनों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि महाराष्ट्र के सभी किसान भाई बहनों की तरफ से खुला समर्थन देने आज मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम पूजा संभाजी झोले है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाले से मैं आई हूँ। मेरी पहचान एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मभूमि से आई एक किसान की बेटी हूँ। यहाँ पे मैं बार बार देख रही हूँ मोदी जी का जिक्र हो रहा है। अंदर की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक अंदर की बात जो हमारे बीच में रहनी चाहिए। अरे मोदी जी जो है ना वो हमारा है, मोदी जी हमारे है, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ करने के लिए हाथ में दम होना चाहिए, बात में नहीं। और मोदी जी सिर्फ बोलते रहते हैं और करते कुछ नहीं, तो मोदी जी हमारे हैं। अभी कल मैं यहाँ पे आई और मुझे कल ही एक सपना पड़ा, सपने में मेरे मोदी जी आए थे, तो सपने में मैं मोदी जी से बात करने लगी। मैंने बोला, मोदी जी बाहर आई है, महाराष्ट्र से किसान की बेटी आई है, आपसे मुझे बात करनी है। मोदी जी बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मोदी जी बाहर आइए। तो मोदी जी मुझे बोले, अरे बेटा मैं कैसे बाहर आऊं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब जो मेरे पास नहीं है। और अचानक से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा तो सुबह के 5 बजे थे और मेरी दादी कहती है सुबह पड़ा हुआ सपना सच होता है। हम कहते हैं मोदी जी चुप है चुप है चुप है, वो इसीलिए चुप है कि बंदे के पास हमारे सवालों के जवाब ही नहीं है। मैं यहाँ कल आई हूँ, ये दृश्य जब मैं देख रही हूँ देख कर मुझे आजादी की लड़ाई याद आ गई। आजादी की लड़ाई में भी यही हाल था, जो बहादुर लोग थे वो जंग में थे और कायर लोग जो थे वो संघ में बैठे थे। तो आप
छत्रपति शिवराय ने हमें सिखाया है, मराठी में उसे बोलते हैं लाख मेला तरी चालेल परंतु लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे, यानी कि लाखों मारे गए तो भी चलेगा लेकिन लाखों को पोसने वाला एक किसान जिंदा रहना चाहिए, ये हमारे छत्रपति शिवराय ने हमें सिखाया है। फिर मोदी क्या कर रहे, लाखों को पोसने वाला किसान मरेगा तो भी चलेगा लेकिन अडानी अंबानी जो है वो जिंदा रहना चाहिए।